हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। हम जानते हैं कि जब भी हम चार्जेस को पास पास रखते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है। जब भी सेम नेचर के चार्जेस पास पास रखे जाएंगे तो उनके बीच में हमेशा रिपल्शन फोर्स लगेगा, और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं अगर उनको पास पास रखा जाए तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर हम इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम कुलाम्स लॉ यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और साथ ही इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ऑल्सो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है K, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1/4πε0, और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 9×10^9। और यूनिट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी के की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होती होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम इंटू कुलाम यानी कुलाम स्क्वायर अपॉन में आएगा। तो इसका मतलब के की यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। यहाँ पे ये जो अपसाइलन नोट है, इस सिंबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर मैं एरिया वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू होती है अपसाइलन नोट इक्वल्स टू 8.85×10^-12, और इसकी यूनिट जो के की यूनिट है उससे रिवर्स होगी, उल्टा होगी। इसकी यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए होती है 8.85×10^-12, लेकिन अगर आप इन दोनों चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखते हो, एयर के अलावा अगर आपने किसी दूसरे मीडियम में रखा, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी तो यहाँ पे के की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, और के की वैल्यू अलग आएगी तो एफ़ की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। यानी चार्जेस के बीच में किसी दूसरे मीडियम के अंदर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमको एक और चीज़ याद रखनी है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या अलग अलग हो, यानी दोनों चार्जेस चाहे मैग्नीट्यूड में सेम हो या डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो, इन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, और हमेशा उस लाइन के अलोंग लगेगा जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा आउटवर्ड लगेगा, यानी रिपल्शन फोर्स होगा तो आउटवर्ड लगेगा, और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस अगर ये हुए तो इसी लाइन के अलोंग इन पर इनवर्ड फोर्स वर्क करेगा, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो इसमें मान लीजिए चार्जेस को हमने सेम नेचर का लिया है तो जो फोर्सेस लगेंगे वो आउटवर्ड लगेंगे, मतलब इस पे Q1 चार्ज पे आउटवर्ड इधर फोर्स लगेगा, और इसी तरीके से Q2 चार्ज पे भी इसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं।
और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप कूलम्ब्स लॉ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज आज हमने सीखा कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू एरिया वैक्यूम के लिए 9×10⁻⁹ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।